हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। साथियों, आज 3 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। उससे पहले, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स न्यूज, अर्थव्यवस्था समाचारों की। अकॉर्डिंग टू मूडीज, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.3% इन द कैलेंडर ईयर 2019 and 2020, एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग अनाउंस्ड अहेड ऑफ इलेक्शंस दिस ईयर विच विल सपोर्ट नियर टर्म ग्रोथ। मूडीज स्टेट इन इट्स क्वार्टली ग्लोबल मैक्रो आउटलुक फॉर 2019 and 2020। In 2018-19 fiscal ending March 2019, the Indian economy is estimated to have grown 7% lower than 7.2% in 2017-18. Moody's के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के कैलेंडर वर्ष 2019 और 20 में 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है और इस वर्ष चुनावों से पहले सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च की घोषणा की गई है, जो निकट अवधि के विकास का समर्थन करेगी। मूडीज ने 2019 और 2020 के लिए अपने तिमाही ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में कहा है कि मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान 7% होगा, जो 2017-18 में 7.2% से कम है। नेक्स्ट, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज, शिखर सम्मेलन और बैठक। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज एड्रेस्ड द प्लेनरी सेशन ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स मीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन स्टेट्स इन अबू धाबी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में इस्लामिक सहयोग राज्यों के संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट समझौते। द सेंटर एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैव साइंड ए $926 million लोन एग्रीमेंट टू ऑपरेशनलाइज 2 lines ऑफ द मुंबई मेट्रो रेल सिस्टम। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोन इन ADB हिस्ट्री, अप्रूव्ड बाय द ADB बोर्ड। वंस ऑपरेशन बाय द एंड ऑफ 2020 एंड एस्टिमेटेड 2 million पैसेंजर्स ए डे विल यूज द 2 lines, न्यू लाइन्स एंड विल ट्रेवल इन इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड कम्फर्ट। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली की 2 lines के संचालन के लिए $926 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ADB इतिहास में ADB बोर्ड द्वारा अनुमोदित एकल सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा परियोजना ऋण है। एक बार 2022 के अंत तक चालू होने के बाद प्रतिदिन अनुमानित 2 million यात्री 2 नई लाइनों का उपयोग करेंगे और बेहतर सुरक्षा और आराम में यात्रा करेंगे। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अधिया वाज अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हिज अपॉइंटमेंट एज द पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑन द बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। अधिया ए 1981 बैच IAS ऑफिसर ऑफ गुजरात कैडर, सुप्रा नोटेड ऑन November 13 last year ही लास्ट सर्व्ड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी। पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 वर्षों की अवधि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
गुजरात कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी अधिया पिछले साल 30 नवंबर को सुपर नेचुरेटेड थे। उन्होंने अंतिम बार वित्त सचिव के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड एन 8 मेंबर टास्क फोर्स ऑन ऑफशोर रुपीज मार्केट हेडेड बाई उषा थोरट फॉर्मर डिप्टी गवर्नर टू लुक इन टू इशूज रिलेटेड टू द मार्केट्स एंड रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपीज। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजारों से संबंधित मुद्दों पर गौर करने और रुपये के बाहरी मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित नीतिगत उपायों की सिफारिश करने के लिए पूर्व उपराज्यपाल उषा थोराट की अध्यक्षता में अपतटीय रुपये के बाजारों पर 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यू बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तक और लेखक। ए बुक टाइटल्ड मन की बात ए सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो वाज रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इन न्यू दिल्ली। द बुक इज ए कंपेंडियम एंड कॉम्पासिंग 15 एडिशंस ऑफ द मन की बात प्रोग्राम बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ऑल इंडिया रेडियो। नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात ए सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 50 संस्करणों को शामिल करते हुए एक संकलन है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।